अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। उस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को भी साधने की मंशा रखती है। भाजपा के इस कदम से प्रेरित होकर ओडिशा में नवीन पटनायक सरकार भी अब कुछ ऐसा ही कर रही है। यहां पर जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर के लिए बड़ी योजनाएं शुरू की गई। इस कदम के जरिए बीजू जनता दल एक तरफ तो धार्मिक भावनाओं को बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी ओर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव को भी रोकना चाहती है। नवीन पटनायक सरकार ने अमा ओडिशा नवीन ओडिशा का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जानकारी के मुताबिक ये योजना पुरी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के लिए शुरू की गई है, जिसमें 4,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। इस प्रोजेक्ट में करीबन 3 किलोमीटर का श्री सेतु भी शामिल है और इस श्री सेतु के बन जाने के बाद भुवनेश्वर से जगन्नाथ मंदिर की दूरी काफी कम होगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर बनाने वाला कॉरिडोर है। इसके लिए 1,943 करोड़ रुपए का बजट है। ये 75 मीटर का हेरिटेज कॉरिडोर होगा, जिसमें एक ग्रीन बफर जोन, 3 लाइनों वाला भारी रास्ता और आम लोगों की सुविधा के लिए जगह होगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इसके जरिए अपनी इमेज भी चमकाने की कोशिश में जुटे हैं। इसके तहत प्रदेश भर में करीब 8,000 वाहनों का एक फ्लीट तैयार किया गया है और इन वाहनों पर एक तरफ भगवान जगन्नाथ की तस्वीरें हैं तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की फोटोज हैं। बीजू जनता दल ओडिशा में लगातार 6वीं बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके लिए उसे बीजेपी को रोकना होगा। असल में बीते चुनाव में बीजेडी ने यहां की 21 लोकसभा सीटों में से 8 बीजेपी के हाथों गवा दी। दूसरी ओर बहुत से आलोचक इस धार्मिक कार्यक्रम के लिए बीजेडी की आलोचना कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये सब करके वो बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आलोचकों का यह भी कहना है कि नवीन पटनायक ने पुरी में हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए जिस तरह से पूजा पाठ आदि चीजों के लिए लोगों से अपील की है, वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसा साउंड कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.